हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर राहुल कौशिक फ्रॉम रामिस इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपके सेकेंड यूनिट से है न्यूट्रासटिकल से अभी तक हमने पढ़ा कि कौन से हर्ब्स हैं जिनको हम न्यूट्रासटिकल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहीं अब न्यूट्रासटिकल्स अब जब हम कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए क्या इंटरेक्शन हो सकता है एलोपैथिक ड्रग के साथ या किसी और ड्रग के साथ वो हम आज पढ़ने जाएंगे तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हर ड्रग और हर फूड इंटरेक्शन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ हेपेरिकम तो आज हम ये एक ड्रग लेंगे हिपेरिकम इसके जो पॉसिबल uh, इंटरेक्शंस हो सकते हैं एलोपैथिक uh, ड्रग के साथ या किसी फूड मटेरियल के साथ वो हम चीज़ आगे पढ़ेंगे आज तो हम शुरू करते अपनी पहली स्लाइड से आगे जाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई वास्तव में ये जो अडल्ट सॉरी ये जो आपका ड्रग इंटरेक्शन है होता क्या है इंटरेक्शन का मतलब अगर आप जनरली देखें तो इसका मतलब होता है कि कुछ किन्हीं दोनों चीज़ों का आपस में एक्शन और रिएक्शन तो यहाँ पे हम अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात कर सकते करते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसका मतलब होता है ऑल्ट्रेशन इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग बाय द कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ एनअर ड्रग और एनी अदर ड्रग सबस्टिस इसका मतलब यह हो गया कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं किसी पर्पज के लिए सपोज आपने ब्लड शुगर कम करने के लिए कोई एंटी डायब्योटिक ड्रग ली लेकिन आपने देखा कि आपका ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम नहीं हो रहा है इसके साथ आपने शायद कोई ऐसी ड्रग ले ली थी जिसका इसकी जो आपकी एंटीडायब्योटिक ड्रग थी उसके साथ इंट्रैक्शन था तो उस इंट्रैक्शन की वजह से आपका जो फार्मोकोलॉजिकल्टि एक्टिव, एक्टिविटी है जो कि ब्लड ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम होना चाहिए उस इंट्रैक्शन की वजह से वो कम नहीं हुआ तो यहाँ पे आ, क्या है कि आपका जो मेन ड्रग है उस ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है अगर वो कम होती है या ज़्यादा होती है किसी दूसरी ड्रग के साथ में लेने से ठीक है सपोज जैसे आपने कोई एंटीडायबिक ड्रग ले ली आपने पिग्लीटाजोन ले लिया शुगर कम करने के लिए और वहीं साथ में आपने कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट खा लिया जो कि शुगर इंक्रीज करता है या फिर आ, जो कि आपके शुगर को बहुत ज़्यादा कम करता है सपोज जैसे आपने मेथी ले लिया वो शुगर कम करता है तो होगा क्या आपका एक तो पिग्लिटाजोन जो ड्रग है वो आपका शुगर कम कर रही है साथ के साथ आपने जो मेथी ली है वो आपकी शुगर को कम कर रही है तो यहाँ पे आपको इंट्रैक्शन हो सकता है ये इंट्रेक्शन आपका हाइपोग्लाइसीमिया आपको कॉज कर सकता है मतलब आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है तो यहाँ पर जो अदर सब्सटांसेज हैं ये आ, कुछ भी हो सकता है ये फूड मटेरियल हो सकते हैं ये आपकी कोई हर्ब हो सकती है या ये आपकी कोई अनदर ड्रग हो सकती है जो कि आपकी कोई सिंथेटिक ड्रग हो जो कॉम्बिनेशन में जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं तो द कॉन्करेंट यूज़ ऑफ हर्ब में इंक्रीज तो ये जो इंटरेक्शन होगा इस इंटरेक्शन से क्या होने वाला है जो आपकी मेन ड्रग है उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है और इट मे द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग या फिर जो आपने ड्रग मेन ड्रग के साथ दूसरी ड्रग ली है वो एक किसी दूसरी ड्रग का एक्शन मिमिक करे या ऐसा शो करे कि भाई वो उस तरह से एक्ट कर रही है तो ये आपका ड्रग इंटरेक्शन हाउ अब ये ड्रग इंटरेक्शन होता कैसे ये हमें पता लगाना चाहिए क्योंकि वी आर डीलिंग विद हब्स तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको नॉर्मली पता नहीं चलता है कि भाई हमने जो ड्रग ली है उसका क्या इंटरेक्शन होगा इस ड्रग के साथ और जनरली ले मैन को ये सब चीजें नहीं पता होती लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्ट कोई केमिकल रिएक्शन आपकी ड्रग के साथ मेन ड्रग के साथ जो आपने एलोपैथिक uh, ड्रग ले रहे हो सिंथेटिक जो मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ आपके फूड का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता लेकिन उस फूड इंटरे जो उस फूड मटेरियल के अंदर या उस हर्ब के अंदर या उस ड्रग के अंदर जो कंपोनेंट ड्रग होती हैं सपोज़ कोई भी हर्ब आपने जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था तो एक ड्रग के अंदर करीब करीब सैकड़ों ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो आपके साथ आपकी बॉडी में उस फूड के साथ जाते हैं लेकिन वो एक साथ नहीं जाते वो धीरे धीरे करके उस मटीरियल से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं आपके गैस्ट्रो ट्रैक में तो ये देखते हुए आप देख सकते हैं कि कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है देर इज नो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेन सिंथेटिक मोइटी और द ड्रग लेकिन जो उसके कॉम्पोनेंट इंग्रीडियंट कॉम्पोनेंट है वो जरूर रिएक्ट करते हैं आपके मेन ड्रग के साथ तो इस तरीके से जो ड्रग है आपकी वो इंटरेक्ट करती है आपके मेन ड्रग के साथ अब हर्बल ड्रग्स मे बी टॉक्सिक इंट्रेंजिकली और व्हेन दीज आर टेकन विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्रिपरेशन प्रिपरेशंस टॉक्सिक इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व तो यही है कि हर्बल ड्रग आपकी जो है वो इंट्रेंसिकली टॉक्सिक हो सकती है आपको दिखेगा नहीं कि टॉक्सिक हो सकती है स्पोरियस हो सकते हैं लेकिन वो जब आप कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो हर्बल ड्रग है उसमें आपको कंटेमिनेंट्स भी मिल सकते हैं क्योंकि आपने देखा हो कई कंट्रोल इन्वायरमेंट में चीज़ें होती नहीं कोई रोड के साइड से आपको कलेक्ट करके दी जाती है या फिर कोई आपको टॉक्सिक जैसे आप यमुना के किनारे से कोई हर्ब अगर उगा रहे हो तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल आने ही आने हैं क्योंकि यमुना का पानी गंदा है तो उन एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं कंटेमेंट्स होते हैं वो आपके ड्रग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं इसके साथ साथ इनकरेक्ट स्पीसीज भी एक कारण हो सकता है कोई गलत स्पीसीज आपने चूज कर ली हो पोलन ग्रेन्स आपके उसमें जो हो सकते हैं ये पोलन ग्रेन्स आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स भी आपके ड्रग के अंदर हो सकते हैं या इंसेक्ट के एक्सक्रीटा हो सकता है या उनका कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकता है जो कि आपको रिएक्शन या साइड इफेक्ट कॉज करे जब आप उसको मेन ड्रग के साथ लेंगे तो उस मेन ड्रग की एक्टिविटी आपकी कम हो सकती है बढ़ सकती है या उसका कोई इफेक्ट नहीं भी दिख सकता है आपको वाई हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं क्या जरूरत है आपको इंटरेक्शन पढ़ने की चूंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई जैसे सपोज आप मार्केट से कोई प्रिपरेशन लेके आए आप लेके आए आंवला आमले आमले का पाउडर लेके आए उस पर लिखा है कि इट कंटेंस आंवला पाउडर आ, दिस मच ग्राम लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आंवला के अंदर के जो केमिकल कॉन्सेंट है वो कौन कौन से हैं कितनी कितनी मात्रा में है वो सब वहाँ पे नहीं लिखा होता तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ हर्बल प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस ड्रग गा इंट्रैक्शन इसके अलावा प्रोडक्ट इन्फॉमेशन में भी इनकम्प्लीट और इनैक्यूलेट जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में कोई रेगुलेशन इसके ऊपर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर नहीं है वहाँ पे उनकी चॉइस है वो चाहें तो उसके ऊपर पूरा फार्मूला लिख दें वो चाहें तो फार्मूला ना भी लिखें या गलत फार्मूला भी आप देख सकते हैं किसी प्रिपरेशन के ऊपर तो ये थोड़ा गाइडलाइंस हैं तो रेगुलेटरी ऑब्लीगेशन हैं जिनकी वजह से हमें ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ना ज़रूरी हो गया है अगर हम मेन ड्रग के साथ इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं फिर है हर्बल प्रोडक्ट कंटेन मैनी फाइटो कॉन्सट्रेंट्स विच आर नॉट करेक्टराइज प्रॉपरली और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हर्बल ड्रग का हर्बल ड्रग का सपोज जैसे आमला आप जो प्रोडक्ट लेके आए थे आमला पाउडर उसमें विटामिन सी मौजूद है सपोज उसमें सेवेंटी परसेंट विटामिन सी है ये आमला जो पाउडर आप लेके आए हो वहीं आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से एक आमला पाउडर लेके आओ तो ये जरूरी नहीं कि उस आमला पाउडर में भी आपको 75 फाइव परसेंट स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी आपको मिलेगा तो ये कैरेक्टराइजेशन उसका प्रॉपर नहीं है क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस वेरी अगर होंगे तो केमिकल कॉन्सेंट केमिकल कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट की कंसंट्रेशन भी अलग होगी ठीक है इसके अलावा लैक ऑफ एडुकुएट नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सपोज आपने त्रिफला चूरण लिया आमला हरण बेहड़ा मिलाया

क्योंकि आजकल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्रग टॉक्सिसिटी के तो उस टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो ड्रग ले रहे हैं मेन ड्रग जो ले रहे हैं उसके साथ हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए चीज़े, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ये हमें क्लियर होना चाहिए जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट अप्रोच है उसकी एफिसियंसी बढ़ जाए आपकी ट्रीटमेंट एफिशियंसी बढ़ेगी तो आप जल्दी से रिकवर होंगे तो इंक्रीज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग लीडिंग टू टॉक्सिसिटी ये बहुत बड़ा कारण है टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसीलिए हमें ये इंट्रैक्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके अलावा इट लीड्स टू द ट्रीटमेंट फेलियर ड्यू टू डिक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग और जब हमें पता है सपोज हमने शुरुआत में शुरुआत करी कि भाई हमने डायबिटिक ड्रग ली पिगलिटाजोन लेकिन हमने उसके साथ एक ऐसी ड्रग ले ली जिससे उस ड्रग का जो पिग्लिटाजोन है उसका जो शुगर लोअरिंग इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया कम हो गया या बढ़ गया तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर सॉरी आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत कम भी हो सकता है या फिर वो ना भी कम हो सकता है या फिर वो बढ़ भी सकता है तो ये इंटरेक्शंस जो हैं ये ट्रीटमेंट फेलियर को कॉज करते हैं और आपका ट्रीटमेंट फेल ना हो इसीलिए हम इनको इंटरेक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यू टू द मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड एक्शन ऑफ द ड्रग इसके अलावा एनहेंस इफेक्ट ऑफ द ड्रग ये सपोज आपको आपका ब्लड ब्लड शुगर कम है और आपने कुछ ऐसी ड्रग ले आ, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है आप चाहते हो कि भाई मेरा जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाए लेकिन आपने जो डोज़ ली उसके साथ आपने ड्रग ले ली तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाए ड्यू टू एनहेंस थेरेपोटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इसके अलावा बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, उनका भी आपस में रिएक्शन हो सकता है और वो रिएक्शन आपकी बॉडी की जो थेरेपी है जो सॉरी आपकी बॉडी के ऊपर जो थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है उस थेरेपी को भी इफेक्ट करता है ड्रग इंट्रैक्शन का अगर हम टाइप देखें तो बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशनस हैं लेकिन हम आ, जो आ, इंडिया का सबसे पुराना सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देर आर फोर काइंड ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन जैसे हर भर ड्रग इंट्रैक्शन हर बहर ड्रग इंट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं जो पाइपर बीटल है पाइपर बीटल आपका आ, पान का पत्ता जो होता है पान का पत्ता इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद गार्सिनिया मोरेला गार्सिनिया मोरेला एक ड्रग है चाइनीज ड्रग है उसके साथ आप इसको नहीं दे सकते इससे इंट्रैक्शन हो सकते हैं इसके अलावा हर फूड का एक इंट्रैक्शन हम देख सकते हैं मिल्क शुड नॉट बी टेकन आफ्टर इनटेक ऑफ रेडिश अगर आपने मूली खाई है या आपने लहसुन खाया है या आपने करेला खाया है तो उसके बाद अगर आप मिल्क देते हैं तो भी वो इंटरेक्शन कॉज करता है ये टाइम टेस्टेड बहुत पुराने मैंशनड इंट्रैक्शन हैं जो कि आज भी कारगर हैं इन इंट्रैक्शन को प्रिवेंट किया जाना चाहिए इसके अलावा हर्बल और एनिमल ड्रग इंट्रैक्शन जैसे पोर्क इज़ कॉन्ट्राइंडेटेड विद नारियल तेल या जो आपका कोकोनट ऑयल होता है उसमें आप जो मीट है पोर्क वो आप यूज़ नहीं कर सकते या उसके आपस में उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पका नहीं सकते उसका भी एक कॉन्ट्राइंडेशन हो सकता है आपकी बॉडी में इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं उनमें इंट्रैक्शन होते हैं जैसे पपाया नहीं खाना चाहिए टर्मिनल चैबूला नहीं खाना चाहिए अगर आप प्रेगनेंस प्रेगनेंट हैं तो ये प्रेगनेंसी में कौटा इंडिकेटेड चीज़ें हैं पपीता नहीं खाना चाहिए आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं ये आयुर्वेदिक तथ्य था इसको अब साइंटिफिकली वैलिडेट किया गया है एलोपैथी द्वारा और मॉडर्न साइंस के द्वारा अब जाके इन चीज़ों को मानने लगे हैं डॉक्टर्स भी कि पपाया को नहीं खाना चाहिए और टर्मिनल चेबुला को नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये इसीलिए मैंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया है क्योंकि ये आ, बहुत वर्स्ट uh, सिस्टम है मेडिसिन uh, का और कैसे ये मेडिसिन uh, इंटरेक्ट करते हैं आपकी फूड के साथ हर्ब कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो है रीजन क्या है इंटरेक्शन का अब हमने uh, पहले भी पढ़ा था व्हाट कैन बी द रीजन तो यहां पे हम एक बार और देख लेते हैं अन एडिशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसिस या टॉक्सिक स्पीसीज आपको पता है कि आपको आंवला लेना है आंवला यानी कि आपका जो आंवला पाउडर आपको लेना है लेना है या फिर और कोई ड्रग लेनी है आपने आ, मांगा तो था ये ड्रग कि मुझे आ, आपकी ये वाले फलंत संबेलिका आमला का जो वर्टनिकल सोर्स है फलंत संबेलिका आपको ये ड्रग चाहिए थी लेकिन उसकी जगह कोई और वैरायटी टॉक्सिक स्पीसीज आपको मिल गई उसके जैसे दिखती हुई तो उस केस में आपको इंट्रैक्शंस हो सकते हैं ये आपको जानना जरूरी है एग्जाम्पल यहाँ पे एरिस्टोलोकिया फंक्ची यह भी एक चाइनीज ड्रग है ये किडनी डिसीज़ कॉज कर सकती है या डैमेज ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं ये आपको अवॉइड करनी चाहिए इसके अलावा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे मैंथा मैंथा पुलेगियम लीव्स जो हैं, दे टॉक्सिक सब्सटेंस, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम है पेनरॉयल ऑयल और ये पेनरॉयल ऑयल भी ये भी बहुत ज्यादा है प्रेग्नेंट वुमेंस को ये नहीं देना चाहिए इसके अलावा इंटेंशनल एडिशन ऑफ ड्रग जानबूझ के आप अगर ड्रग के अंदर कुछ ऐसा ऐड करते हो जिससे कि उस ड्रग का इफेक्ट जो है पोटेंशिएट हो जाए जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल प्रोटीन पाउडर खाने का शौक बढ़ गया है जिम जाने वाले लोगों में तो वो क्या करते हैं उसके अंदर उस पाउडर के अंदर सोया प्रोटीन वगैरह मिलाते हैं नेचुरली और उसके अंदर कुछ कॉर्टिकोस्ट्रॉयड्स या और कुछ स्ट्रॉयडल हार्मोन्स डाल देते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में एकदम से बूस्टअप आता है और आपको वो अच्छा लगने लगता है पाउडर लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो इंटरेक्शंस कॉज कर सकता है इट कैन बी द रीज़न फॉर इंटरेक्शन इसके अलावा कंटेमिनेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मैंने बताया कि आपको यमुना किनारे जो सब्जी उगाई जाती है जो फल उगाए जाते हैं या फिर जो ड्रग या जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, उनके अंदर आपको जो कंटेमिनेट्स यमुना के पानी के अंदर है वो आपको ड्रग के अंदर भी मिलेंगे जैसे हैवी मेटल्स हुए पेस्टिसाइडल रेसिड्यूज हुए सॉरी <coughs> अफ्ला हुए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हुए तो ये जनरली हर जगह Uh, आपको मिट्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन जो ज़्यादा पॉल्यूटेड मिट्टी होगी उसमें आपको ये कंसनट्रेशन इनकी ज़्यादा होगी इसके अलावा कॉम्बिनेशन विद मॉडर्न मेडिसिन इट इज ऑल्सो आ रीजन टॉक्सिसिटी ड्यू टू द मेटाबोलिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन जो आपकी मेडिसिन है वो जनरली आप जब खाते हैं उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं उन मेटाबोलाइट्स का कोई इंटरेक्शन आपके ड्रग के साथ हो सकता है तो इट कैन बी द रीज़न फॉर हर्बल ड्रग इंटरेक्शन नेक्स्ट व्हाट आर द कॉमन इंट्रैक्शन अगर हम बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के उनमें कुछ कॉमन इंट्रैक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गेस्ट्रो इंट्रेशनल ट्रैक है आपके आहार नली जो है इससे रिलेटेड कौन से इंट्रैक्शन हैं जैसे हॉर्स चेस्ट नट हॉर्स चेस्ट नट एक घोड़ों को खिलाई जाने वाला एक सीड है इट कैन एक्ट एज गेस्ट जी आई टी इीटेंट एंड कैन अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ योर एंटी अल्सर ड्रग तो जो एंटी अल्सर ड्रग आप लेते हैं अल्सर को ठीक करने के लिए अगर उसके साथ आपने हॉर्स चेस्टनट का पाउडर खा लिया या सीड्स खा लिए तो आपको वो दिक्कत जो जी आई टी इरिटेशन है वो आपको होगी और आपको पेन वगैरह हो सकते हैं तो ये यह यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ लेगजेटिव मे बी एनहेंस बाय द यूज ऑफ सेना अगर आप सेना लेते हो सेना खुद में ही एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है एंथ्राक्यून ग्लाइकोसाइड है अगर उसके साथ आप लेगजेटिव्स के साथ उसको लोगे तो आपका जो लेगजेटिव एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो कॉमन इंट्रैक्शन है वो आप देख सकते हो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है इट मे बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ जिनसेंग एंड डेंडेलियन जिनसेंग और डेंडेलियन जो दोनों ही जो है आपकी आपकी जो स्ट्यूमुलेंट ड्रग हैं आपकी सी को स्ट्यूमुलेट करते हैं तो इस इस दौरान अगर आपको आपका जो हाइपरटेंशन कम करने वाली ड्रग आप ले रहे हो और उसके साथ आपने जिनसेंग वगैरह ले लिया तो आपका एक तरफ जो सिंथेटिक ड्रग आपका बीपी कम करेगी और वहीं ये जो स्ट्यूमुलेंट ड्रग हैं ये आपका बीपी बढ़ाएंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला इसके अलावा अल्फा अल्फा इट एनहेंसेज द हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट ऑफ द हाइपोलिपिडेमिक ड्रग मतलब जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हैं आपके फाइब्रेट्स हैं स्टेटिन्स हैं उनके साथ अगर आप अल्फा अल्फा लोगे तो उनका जो इफेक्ट है वो ब्लड जो ब्लड थिनर्स हैं ब्लड थिनिंग इफेक्ट या आपका लिपिड लोअरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा या मिल सकता है फिर सी एन एक्टिंग ड्रग ऐसी ड्रग जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इंट्रैक्ट करती हैं यहाँ पर देख सकते हो आप ड्रग्स जैसे कि हिप्नोटिक्स हैं एंगजलिटिक ड्रग्स हैं उनके साथ सीडेटिव हर्ब्स जो हैं सीडेटिव हर्ब्स जैसे कुछ आप देख सकते हैं जिसमें एरोमा वगैरह होती है सी, सीडेशन कॉज करती हैं जैसे आपका ब्राह्मी हुई वो आपको सीडे, सीडेट करती है थोड़ा सा इसके अलावा बहुत सारी ड्रग हैं जिससे आपको सीडेशन होती है अगर उनको आप आ, ऐसी एलोपैथिक ड्रग के साथ लोगे जो कि हिप्नोसिस कॉज करती है मतलब आपके सी को डिप्रेस करती है तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो डिप्रेस हो सकता है इसके अलावा प्रिम प्रिमरोज ऑयल है इसको भी आपको एपलेप्टी जेनिक जो ड्रग होती है उनके साथ नहीं लेना चाहिए इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम से जो रिलेटेड वो हैं आपके इंटरेक्शन है वो कॉमन एग्जाम्पल है रेड क्लोवर और जिनसेंग आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि दे कैन इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड द अदर ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो वो आपके फेलियर हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो सकता है अगर आप इन साइड ड्रग को लेते हैं फिर बात आती है मकैनिज्म की तो दो मकेनिज्म है आपकी बॉडी में पहला है फार्मोकोकोनेटिक और दूसरा है फार्मोकोडाइनेमिक ये वो है जो आपकी बॉडी आपकी ड्रग के ऊपर करती है और ये वो है जो आपका ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर करता है तो यहां पे क्या हो सकता है एब्जॉर्प्शन मॉडिफाई हो सकता है आपके ड्रग का अगर आप मेन ड्रग का एब्जॉर्प्शन मॉडिफाई हो जाएगा अगर आप कोई साथ में ऐसी ड्रग ले रहे हो जिसका उसके साथ इंट्रेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई हो सकता है मेटाबोलिज्म मॉडिफाई हो सकता है और एक्सक्रीशन मॉडिफाई हो सकता है वहीं फार्माकोडानेमिक में देखो तो आपकी ड्रग जो है उसका इफेक्ट जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है डबल इफेक्ट आपको मिल सकता है या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में आप चाहिए तो ये था लेकिन आपको डिप्रेस या उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है फिर हिपेरिकम अब हम एक पहली ड्रग पढ़ेंगे जो जिसके बारे में हमको इंटरेक्शन जिसके ड्रग के इंटरेक्शन हमको पढ़ने हैं तो हिपेरिकम अगर आप देखो तो इसको हम सेंट जॉन वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं डेमन चेजर या गोटवीड बकरियां इसको जनरली खाते हैं इसीलिए इसका नाम गोटवीड के नाम रख दिया हिंदी में इसको बसंत बोलते हैं तो ये जनरली आपको आसानी से मिल जाता है रोड साइड तो इस ड्रग का जो बॉटनिकल सोर्स अगर आप देखो तो ड्राइड एरियल पार्ट पूरा ड्राइड एरियल पार्ट हम लोग यूज करते हैं प्लांट का नाम है हिपेरिकम परफोरेटम लीनियस एंड द फैमिली इज हिपेरिकेसी इस प्लांट को आप जो है इसके इंट्रैक्शन हमें पढ़ने हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप देख सकते हो इट इज़ नेटिव ऑफ इंग्लैंड यूरोप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड अदर पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस जो आपको मिलता है पाकिस्तान के भी कुछ रीजन है वेस्टर्न हिमालयाज में तो यहाँ पे आपको ये आसानी से मिल सकता है के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट जैसे हमने शुरुआत में बात की के ड्रग वास्तव में ऊपर से रिएक्ट नहीं करते लेकिन उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं उनका इंटरेक्शन आपकी मेन ड्रग के साथ हो सकता है तो यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टेंट है जिनका रिएक्शन हो सकता है इंटरेक्शन हो सकता है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे रूटीन है एपिगेलोकेटेचिन है आइसोक्योसिटिन ये सारे फ्लैवॉइड हैं क्वेरसेटिन है हाइपेरोसाइड है ये सारे केमिकल कॉन्सुएंट जो आपके हिपेरिकम में मौजूद होते हैं और इनका इंटरेक्शन आपकी मेन ड्रग के साथ हो सकता है तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा ड्रग को कंज्यूम करने से पहले इसके साथ साथ नेफ्थोडाथ्रोन्स नेफ्थोडाइंथ्रोन्स के एग्जाम्पल हैं हिपेरिसिन सूडो एंड प्रोटोहिपेरिसिन प्रोटोसूडो हिपेरिसिन तो ये वो केमिकल कॉन्सुट हैं जो कि आपकी मेन ड्रग के साथ रिएक्ट या इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आपको मेन ड्रग लेने के ले, लेते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइड में जो आप ड्रग ले रहे हो साइड में जो आप फॉर्मुलेशन ले रहे हो या एडजंक्ड थेरेपी ले रहे हो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में जनरली हम लोग एडजंक् थेरेपी यूज़ करते हैं कुछ फूड स्टफ या न्यूट्रासूटिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो ट्रीटमेंट एफिकेसी वो अच्छी आए ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव अच्छे से रीच आउट हों तो वो सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी ये केमिकल उसके अंदर मौजूद हैं अगर हैं तो उसके अंदर उसका क्या इंट्रेक्शन हो सकता है आपकी मेन ड्रग के साथ फिनोलिक एसिड्स हैं क्लोरोजेनिक एसिड है कैफेक एसिड है सेचरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका तो जनरली कोई इंटरेक्शन होता नहीं अदर कम्पोनेंट है जैसे विटामिन हुआ पैक्टिन हुआ बीटा बीटासीटोस्टोल हुआ हुए तो इनके इंटरेक्शंस आपको पता होना चाहिए जब आप मेन ड्रग को लेते हो बींग अ लेमैन आपको ये शायद पता होने भी चाहिए नहीं होने चाहिए लेकिन अगर आप फार्मेसिस्ट हो अगर आपको नॉलेज है ड्रग्स के बारे में तो आपको ये इंटरेक्शन जरूर पता होने चाहिए फिर यूजेज ऑफ हिपेरिसिन हिपेरिकम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हिपेरिकम को तो आप देख सकते हो एंटी डिप्रेसेंट मतलब आपके सी को डिप्रेस करती है एंटी डिप्रेस सॉरी सी को स्टिमुलेट करती है सी एन एस तो so, सीन को स्टूमेंट करती है इसके अलावा जो और यूजेज हैं इसके इट कैन बी यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंगजाइटी एंगजाइटी जब आपका एंगजाइटी होती है आपको उस समय पे आप इसको यूज़ कर, कर सकते हो इसके अलावा सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ मीनोपॉज मेंटल डिसऑर्डर या प्री मैंसुरल सिंड्रोम उनको ट्रीट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ड्रग को इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर मलेजिया जो कि क्रोमिक क्रोनिक रोमैटिक कंडीशन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्रोनिक फेटिक सिंड्रोम है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बर्निंग फीलिंग अगर आपके माउथ के अंदर होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो और कुछ होम्योपैथी uh, ड्रग में भी ये जो ड्रग है हिपेरिकम इसका uh, यूज किया जाता है इसके अलावा इरेटेबल बोल सिंड्रोम है स्किन डिसीज है उसमें यूज कर सकते हो साथ साथ इसमें एक एरोमा होती है जिसकी वजह से इसको हम फूड फ्लेवर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा हिपेरिसिन ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव एंटी वायरल एक्टिविटी अगेंस्ट हेपेटाइटस सी वायरस तो हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस जिसके ऊपर जनरली बहुत सारी ड्रग हैं जिनका जिनका इफेक्ट नहीं होता लेकिन हेपेरिकसिन एक ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट है जिसको स्टडी किया गया है अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी तो हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो एचआईवी एड्स के ट्रीटमेंट में इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो ड्रग को अब इंटरेक्शंस की बात आते हैं कि कहां इंटरेक्ट होगा कहां इंटरेक्शन होगा तो बीइंग अ फार्मासिस्ट बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट बीइंग अ फार्मेसी ग्रेजुएट यू शुड नो वेयर योर ड्रग इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद योर मेन ड्रग तो यहां पे देख सकते हैं जैसे हमने देखा कि ये सी uh, एन है ड्रग इज सी एन तो स्ट्यूमलेंट यहां देख सकते हो हेपेरिकम इंट्रैक्ट विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट विच लीड्स टू सीरियस इंटरेक्शन रिजल्टेड ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सेराटोनोनिन डिप्रेसेंट कौन से हो गए एक तो आपकी ड्रग जो है वो खुद ही एंटी एंटीडिप्रेशेंट है मतलब आपका सीनस को स्ट्यमुलेट करेगी लेकिन अगर आप ऐसी ड्रग खा रहे हैं जो आपको सीन को स्ट्यूमुलेट करेगी उसके साथ साथ हिपेरिकम भी आप खा रहे हैं तो क्या होगा आप ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं आपका सीनस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्यमुलेट हो सकता है तो ये एक इंट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विथ सर्टेन एंटी एंटीडिप्रेसेंट्स इसके साथ साथ सिम्टम्स कुछ आ सकते हैं इस इंट्रैक्शन के जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है फीवर आ सकता है हेलोसिनेशन हो सकता है नोजिया हो सकता है इंबेलेंस इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्वेटिंग और शेकीनेस और ये सारे सिम्टम्स जो है आपके पार्किसोनिजम के होते हैं पार्किसनिजम की जो ड्रग है उसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है इसके अलावा इट डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन uh, है उसको भी इफेक्ट करता है इसके अलावा कार्डियोटोनिक ड्रग जो है आपके डिजॉक्सिन उसके साथ भी हिपेरिकम का इंटरेक्शन है हिपेरिसिन का इंट्रैक्शन है इसके अलावा इट ऑल्सो डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ एंटी एच आई वी ड्रग एमिटाडिन इरिनोटिकैन और कीटामाइन तो इन ड्रग के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है अब मेजर इंटरेक्शन कहाँ होता है जहां पे आप लोग ट्रांसप्लांट्स कराते हो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ वहां पे ये इफेक्ट करता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो इसलिए साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है लोगों को तो साइक्लोस्पोरिन की जो एक्टिविटी है उसकी कंसेंट्रेशन घट जाती है जब आप हिपेरिकम को लेते हो उसकी वजह से आपका जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट है उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उस समय पे साइटोक्रोम पी पी थ्री ए फोर जो है एक्टिवेट हो जाता है तो थैंक यू सो मच फॉर टूडे आज के लिए यही लेक्चर इतना ही काफी अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स ऐसी कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जिनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हमको पढ़ने होंगे जैसे कि कावा कावा के इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे जिंक ब्लोबा एक ड्रग है उसके इंट्रेक्शन पढ़ेंगे और जिनसेंग एक ड्रग है उसके इंट्रेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं थैंक यू सो मच